अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक वाइटनिंग फेस पैक, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा कलर डल हो जाता है, सबका ही होता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, पैचेस पड़ जाते हैं फेस पर। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं ये जो फेस पैक लेकर आई हूँ ये उन तमाम इंग्रेडिएंट से बनेगा जो सबके घर में ईजिली मौजूद होते हैं, सबके किचन में होते हैं। तो आपको महंगे महंगे फेस पैक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए फेस पैक को बनाइए और ट्राई कीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वाइटनिंग फेस पैक में जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें शामिल है ये दूध। ये मैंने एवरीडे का दूध लिया है, आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और हमें चाहिए हाफ़ लेमन, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि हमें इतना हाफ़ लेमन चाहिए, हाफ़ लेमन का जूस चाहिए। लेकिन जूस मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ हाफ़ लेमन का, हम ये जूस यूज़ करेंगे। और हमें ये चाहिए 1 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी, आप कह सकते हैं या टोमेटो जूस कह सकते हैं। आप इसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना है, टोमेटो को आपने इस तरह से रखना है कि आप वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड ना हो जाए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेमेडी। सबसे पहले मैं ये दूध ऐड करूँगी। दूध हम लेंगे 1 टेबलस्पून भर के। अगर आपका ये जो फेस पैक है ये पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं उसको थिक बनाने के लिए। ये 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे दूध यूज़ किया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1 टेबलस्पून आप टोमेटो जूस इसमें ऐड करेंगे। आपने देखें इस तरह से बनाना है, आपने बिल्कुल इसको ब्लेंड नहीं करना है, जूस नहीं बनाना है और बिल्कुल प्यूरी भी नहीं बनानी है आपने, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये लेमन जूस और इसको हम अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। हमारे पास एक फेस पैक की तरह से तैयार हो जाए, हमने इस तरह से एक पेस्ट बनाना है। हमने बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना और हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना, हमने इस तरह का पेस्ट तैयार करना है कि जब हम अपने फेस पे अप्लाई करें तो वो इजीली अप्लाई हो जाए ब्रश के साथ, वो हमारे फेस से टिपके ना। ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने किस तरह का बनाई है, आप भी इसी तरह का बनाइएगा। तो ये जो हमारा वाइटनिंग फेस पैक है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखें झटपट से बनने वाला है ये। आपको कोई महंगे महंगे फेस पैक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये फेस पैक ऐसा है कि आपके पैचेस जो भी हो जाते हैं, जैसे अपर लिप के और आपके लिप्स के नीचे पैचेस हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक गर्मियों में, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये फेस पैक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके एक बार एप्लीकेशन से ही आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। एक बार अप्लाई करने पे ही आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप इसको वीक में 2 बार अपने फेस पर लगा सकते हैं और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। टोमेटो, लेमन और मिल्क, ये सब चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं हमारी स्किन के लिए। आई होप आपको ये आज की होम रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @sistersofficial8, ये मेरा अकाउंट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको मेंशन कर दूँगी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें। और अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है या आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब ज़रूर दूँगी वहाँ पर और कोशिश करूँगी कि वीडियो भी बनाऊँ, जो भी प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।